नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है सुरमे टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। काठमांडू में आदि पुरुष समेत बैन हुई सभी हिंदी फिल्में, राइटर मनोज मुंतशिर बोले फिल्म से हटाए जाएंगे विवादित डायलॉग। वहीं दूसरे दिन कमाई 40% घटी। आज महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे मना रहे हैं शिवसेना का स्थापना दिवस। सीएम शिंदे का गुट गोरेगांव तो उद्धव सेंट्रल मुंबई में कर रहे हैं कार्यक्रम। नागपुर में कल शाम कार के अंदर 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चे शनिवार दोपहर से गायब थे। घर से 50 मीटर दूर एक SUV कार के अंदर मिले शव। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा। कांटो, संबल, चिंगमिंग में गोलीबारी, 5 घरों को जलाया, 1 जवान भी घायल। यूपी बिहार में हीट वेव, 3 दिनों में 98 लोगों की मौत। बलिया में 400 लोग अस्पताल में भर्ती। असम के 13 जिलों में बाढ़ और 38,000 प्रभावित। सिक्किम में भारी बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड, 100 से अधिक घर हुए तबाह। सड़क पुलिया को नुकसान, सभी रास्ते किए गए बंद। RSS ने मणिपुर में शांति की कही अपील। कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा और नफरत के लिए कोई जगह नहीं। भारतीय फुटबॉल टीम ने 5 साल बाद जीता इंटरकॉन्टिनेंटल कप। फाइनल मुकाबले में लेबनान को हराया। सुनील छेत्री और चांगते ने दागे गोल। ग्रीस बोट हादसे में 9 गिरफ्तार। गैर कानूनी तरीकों से यूरोप भेजने का आरोप। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज बोले दोषियों को देंगे कड़ी सजा। पाकिस्तान में हुए भीषण रोड एक्सीडेंट में 13 लोगों की मौत हो गई। इस्लामाबाद लाहौर हाईवे पर बस ने डिवाइडर तोड़ा। फिलहाल मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें सुरमे टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।